Let t be a linear transformation from r square to r square such that image of half, sorry, 1, 2 under t equal to 1, 0 and image of 2, 1 under t equal to 0, 1. Suppose t minus 2 equal to linear combination uh, as a constant alpha beta and t 3 minus 2 equal to ab, then alpha plus beta plus a plus b. इक्वल्स तो जब भी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन हो और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर उसकी इमेज पूछी जाए क्योंकि यहाँ अभी हमें ए और बी अननोन है तो आप इसको ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर अननोन है अभी तो एक पर्टिकुलर पॉइंट uh, पर या एलिमेंट पर इमेज uh, पूछी जा रही है तो आपको करना क्या होता है इसका शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स इसका फॉर्म कर लीजिए और ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स किस कैसे फॉर्म करना है क्योंकि ये वन और टू और टू वन वन टू टू वन ये जो दो कॉलम वेक्टर हैं ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और दो वेक्टर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी या डोमेन टी की जो डोमेन है उसके डायमेंशन के इक्वल है तो ये बेसिस फॉर्म कर जाएगा और जब बेसिस फॉर्म कर जाता है तो आप इसको ऑर्डर बेसिस में मानकर इससे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आप बना लीजिए तो वन टू और टू वन तो सबसे पहले जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वन टू और टू वन और जिस डोमेन के पॉइंट पर इमेज पूछी जाती है तो थ्री माइनस टू इस तरह से एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना दीजिए और यहां से एक सॉल्यूशन निकल के आएगा तो ये क्या आता है वन टू थ्री फर्स्ट रो ऐसे ही टू से मल्टीप्लाई कराएंगे और सब कराएंगे जीरो फोर और माइनस कराएंगे तो माइनस थ्री सिक्स और ये हो जाएगा माइनस एट तो ये इसका इक्वेलेंट मैट्रिक्स आ गया है अभी यहां पर आप देखेंगे आप इसको अगर एक्स वन एक्स टू के फॉर्म में देखना चाहें तो माइनस थ्री एक्स टू इक्वल टू माइनस एट इम्प्लाइज एक्स टू इक्वल टू एट बाई थ्री तो यहां से आपको क्या मिलेगा एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू थ्री और एक्स टू का वैल्यू है आपका एट बाय थ्री तो ये हो जाएगा एक्स वन इक्वल टू थ्री माइनस सिक्सटीन अपॉन थ्री और ये मिलेगा आपको माइनस सेवन अपॉन थ्री अब ये जो एक्स वन और एक्स टू के वैल्यू आते हैं आप इसको ये जो इमेज थी इस इमेज के लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए तो एक्स था माइनस सेवन बाई थ्री और ये था वन जीरो प्लस एट बाय थ्री और जीरो वन इसको जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा सेवन बाई थ्री और एट बाई थ्री ये इसका इमेज आ गया है किसका ये टी थ्री माइनस टू इसका इमेज ये आ गया है और इसका इमेज क्या है ए बी जो इक्वल है एबी के तो यानी कि ए का वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट और बी का वैल्यू आपका ये आ गया है तो ए इक्वल टू आपका माइनस सेवन बाई थ्री और बी का जो वैल्यू आ गया है वो एट बाई थ्री यहां से आ गया है अब आपको यहां पर एल्फा और बीटा और चाहिए क्योंकि अभी तक हमें है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे T, कि ये टी यानी कि इमेज ऑफ टी माइनस टू अंडर टी इक्वल टू दिस तो अब हम इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं इस पर तो टी ऑफ थ्री माइनस टू इक्वल टू होता है एल्फा और यानी कि क्योंकि लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप इसको एज अ कॉन्स्टेंट मानेंगे तो ये आउटसाइड आ जाएगा और इस पर टी अप्लाई हो जाएगा और टी वन टू पर जो इमेज होता है वो है जीरो वन तो यहां पर मिलेगा वन जीरो और ऐसे ही टी यहां पर अप्लाई करेंगे टू वन पर तो इसका इमेज मिलता है जीरो वन तो ये हमको मिल जाता है अभी यहां से देख देखते हैं और इसका जो इमेज है आ, टी थ्री माइनस टू का वो आपको पता ही है कि आपका क्या आया है ये आया है माइनस सेवन बाई थ्री और एट बाई थ्री ये इसका इमेज आया है और अल्फा प्लस सॉरी अल्फा बीटा ये आ गया है यहां से राइट हैंड साइड से तो अल्फा की वैल्यू माइनस सेवन बाई थ्री और बीटा की वैल्यू थ्री बाई एट यानी कि यहां पर ए का जो वैल्यू है वही अल्फा का हो जाता है और बी बीटा का भी वैल्यू वही हो जाता है लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था हमें तो चाहिए था एल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी तो यानी कि एल्फा प्लस बीटा यहां से टू टाइम्स कर दीजिए और बीटा आ, प्लस बी यानी कि यहां से भी टू टाइम्स कर दीजिए तो टू टाइम्स इसका करेंगे तो मा, टू टाइम्स माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री और प्लस एटीन ए टू जिक्सटीन अपॉन थ्री अभी इसको सम करेंगे तो आपको मिलेगा आ, टू अपॉन थ्री तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस ए प्लस बी का जो वैल्यू आया वो टू बाई थ्री है और ये मैच करते है ऑप्शन ए सी तो एक तो हमने इस तरह से इसको कर लिया अदरवाइज आपका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है आप इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लीजिए उससे भी हो जाएगा अदरवाइज सबसे पहले क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया ये जो डोमेन के पॉइंट्स हैं वन बाय वन और टू और टू वन ये एक दूसरे के लिनियर कॉम्बिनेशन नहीं है ना ही मल्टीपल है तो ये क्या हो जाता है कि आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इसमें दो वेक्टर हैं, ये दो ही हैं, और इसकी डोमेन के डायमेंशन भी दो है तो ये क्या हो जाएगा बेसिस फॉर्म कर जाएगा क्योंकि बेसिस क्या होता है स्मॉलेस्ट स्पेनिंग सेट तो यहाँ पर सबसे छोटे और लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो इसका जो लीनियरली इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट सेट है वो टू है और दो ही एलिमेंट उसके गए तो बेसिस फॉर्म कर जाएगा अब कोई भी एलिमेंट जैसे कि ये थ्री और माइनस टू था इसको हम लिख पाएंगे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में जैसे कि यहां पर दे ही रखा है एल्फा और बीटा ये आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू दे रखा है जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे फिर आप इस पर टी अप्लाई कर दीजिए यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी और फिर आ, आप उसी तरह से इसका जो रिक्वायर्ड होगा फर्दर स्टेप्स इसमें प्रोसीड करते जाइए और एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन पर आप पहुंच जाएंगे तो ये इसका तरीका है करने का